सबसे पहले ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे विल पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम ड्रॉवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड राइट हैंड साइड पे विल पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम ड्रॉवीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब रिन्यूअल के केस में आपको तीन स्टेप याद रखना है। स्टेप नंबर वन, डिसऑनर ऑफ बिल। और ये जो डिसऑनर का एंट्री है ये अगेन हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में हमने डिसऑनर की एंट्रीज ऑलरेडी डिस्कस की है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर टू का। स्टेप नंबर टू आएगा फॉर इंटरेस्ट ड्यू। अब ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज इनकम हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंड दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम ड्रॉवी, तो ड्रॉवी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड इट इज पेएबल टू होम ड्रॉवर, क्रेडिट में हम टू ड्रॉवर्स अकाउंट लिख देंगे, सिंपल। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल का। तो फ्रॉम ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल कम्स इन, तो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड हु इज गिवर, ड्रॉवी, सो ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, न्यू बिल एंड पार्ट पेमेंट गोज आउट, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बैंक और बिल जो है वो क्रेडिट में आएगा, और हु इज रिसीवर, ड्रॉवर, सो ड्रॉवर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंड टू बिल्स पेएबल, सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, तीन स्टेप में हमें रिन्यूअल सॉल्व करना है। पहले हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, देन उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू की, एंड देन उसके बाद पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल की। पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल में ध्यान रखना है कि अगर आप चाहें तो पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल की एंट्री आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, बट हम यहाँ पे जब भी सॉल्व करेंगे तो हम ये कंबाइन एंट्री पास करेंगे, सिंपल।